हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हरीश। आज हम जानेंगे कुछ पी पोजीशंस को, तो आइए देख लेते हैं वे कौन सी हैं। इन, जिसका हिंदी में मतलब होता है मेन, लेकिन इसको हम अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के माध्यम से जानेंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, इनका प्रयोग, पहला जो प्रयोग है इसका, वो किया जाता है किसी स्थान के लिए। My brother is in the office. तो स्थान क्या है? ऑफिस। मेरा भाई अपने ऑफिस में है, मेरा भाई अपने कार्यालय में है। दूसरा इसका प्रयोग है समावेश, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के होने की बात को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। ही इज इन द पुलिस फोर्स, वह पुलिस फोर्स में है। तो पुलिस फोर्स क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। समय के लिए हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। सी का वैसे मतलब, पॉपुलर मतलब देखना होता है, लेकिन इंग्लिश में सी का मतलब मिलना भी होता है। तो यहां पर मिलने की बात है। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं आपसे सुबह मिलूंगा। किसी चीज के अंदर होने के लिए भी हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। योर पिक्चर इज इन माई लैपटॉप, आपकी तस्वीर मेरे लैपटॉप में है, यानी लैपटॉप के अंदर है। अगली प्रीपोजिशन है विदिन, जिसका हिंदी में मतलब है समयावधि के अंदर। प्रीपोजिशन विदिन को हम वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर किसी काम को एक समयावधि के अंदर, यानी ड्यूरेशन के अंदर पूरा करने की बात कही गई हो। एग्जाम्पल के माध्यम से आप और बेहतर समझ पाएंगे। दे विल रिटर्न विद इन 5 days, वे 5 दिनों में लौटेंगे। They will return within 5 days. तो यहां पर ड्यूरेशन, समयावधि क्या है? ड्यूरेशन है 5 days, 5 दिन। 4 दिन में भी आ सकते हैं, 3 दिन में भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या है? समयावधि क्या है? 5 days. She can clean house within 1 hour. वो 1 घंटे में घर साफ कर सकती है, वो 1 घंटे में घर की सफाई कर सकती है। She can clean house within 1 hour. तो यहां पर ड्यूरेशन क्या है? 1 hour. अगली प्रीपोजिशन है विदाउट, हिंदी मतलब के बिना। एग्जाम्पल, देर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, यानी पानी के बिना कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी संभव नहीं है पानी के बिना। देर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। अगला एग्जाम्पल है, नो वन इज कंप्लीट विदाउट एजुकेशन, शिक्षा के बिना कोई भी पूर्ण नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना पूर्ण नहीं होता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये प्रीपोजिशंस आपको समझ आ गए होंगे। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल की सारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ।